तो अब हम आ चुके हैं बेसिन एंड केव बैंफ। साथ साथ चल रहा पानी, साथ साथ चल रहे हैं हम, मजा आ रहा है। लेट्स गो। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज रहे थे 4:30 और हम निकल चुके हैं लेक लुई के लिए। और लेक लुई कह लो, लेक लुईस कह लो, की कहते सर अपा लुई से क्या के चलते हैं, अपा लुई से क्या के चलते हैं। तो लेक लुई के लिए निकल चुके हैं और 5:26 पे भैया जी लुईस के यहां तो फिर लुई लुई लाता चेक लुईस के लिए और 5:40 हो रहे हैं, मतलब 5:40 हमने एस्टिमेट पहुंच जाना है, तो 5:26 पे सनराइज हो चुका है। तो मतलब ऑलमोस्ट हम सही टाइम पे, बस पार्किंग मिल जाए क्योंकि पार्किंग की टेंशन रहती है एंड सारे जने रेडी हैं, तो लेट्स गो। फाइनली पहुंच चुके हैं लेक लुई 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 नहीं लुईज, हमने लुईज बोलना है, इंग्लिश में कहना है तो लुईज कह लो, जब फ्रेंच में कहना है तो लुई कह लो। अच्छा ऐदा सीन हुंदा है, अपन फ्रेंच में अपन लुई कहेंगे, अपन हुन सैं पालपा फ्रांस से, सैं पालपा फ्रांस से, ठीक है ओके। बोंजो बियावेन्यू, बस जो जिन फ्रेंच जल्दी सारे कर दो, जितने वर्ड आते हैं सारे इकट्ठे बोल दो खत्म करो। तो भाई अब हम वो देख सकते हो आप, वो रहा फेयरमोन और जिसमें बारिश हो रही है, जिसमें कुछ सालों तक हम एक रूम अफोर्ड कर सकेंगे यार, क्योंकि अभी इधर के प्राइसेस अभी लाइक लिटरली 800,000 डॉलर के बीच में होते हैं। पर अभी हम अंदर जाएंगे उसके भी, क्योंकि हम अंदर जा सकते हैं लॉबी में और देखेंगे कि अंदर कैसा है, क्या कैसा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, अगर ये भी बंद हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा यार, ठंड लग रही है यार, ठंड तो है। पर यह सबसे बड़ी बात, हमें पार्किंग मिल गई है, फॉर नाउ ऐसा लग रहा है हमें ऐसा लग रहा है हमें मिल गई है, क्योंकि मनप्रीत भाई ने देखी थी दो गाड़ियों बैक आ रही थी, तो कहते कि उसकी जगह लगाएंगे, तो हमने लगा दी, दो पार्किंग स्पॉट सी जमाई दो सी क्या मिल गया हमें। हम आ रहे थे रास्ते में, दो गाड़ियाँ ना वापस जा रही थी और हम जहाँ इस साइड आ रहे थे, तो हमने कहा पार्किंग मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें बोर्ड दिख गया कि मुरैन लेक की पार्किंग जो है वो फुल है। तो सर कहते ये दो जो गाड़ियाँ आ रही है ना इन्हीं की जगह में, मुरैन लेक नहीं आज हम, कल जाना है वो मुरैन लेक की पार्किंग फुल है, उसका बोर्ड दिखा था ना हमें। अच्छा वो मुरैन लेक का भी बता दिया इन्होंने पहले, साथ ही है ना उसी का रास्ता। ओ तो कल तो आज भी जल्दी निकलना पड़ेगा, आज हम 4 बजे उठे हैं, आज हम 4 बजे उठे थे और हम लेट हो गए, बट लेट टाइम पे हैं, पर कल मुरैन लेक के लिए हमें और जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ की पार्किंग फुल है, सो वी विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड। या आज फिर जल्दी सो जाएंगे, कल हम 8 बजे सो के, कल हम 9 बजे सोए थे यार, क्या हुआ यार देखो जंज मत करना, हम एक रात पहले सोए नहीं थे, हाँ पूरा नहीं सोए थे और पूरी ड्राइव की थी, और साथ में ऐसा सीन है ना कि अगर हम नहीं सोते तो फिर कैसे आज पूरा जल्दी उठते, तो सोए सोए अगर लेक लुईज भी वही लगनी थी, विनीपग वाली रेड रिवर, ये रेड रिवर दो पहाड़ा पीछे, सही बात है, अभी एटलीस्ट लगेगी तो सही ना। या चलो यहाँ पे लिखा है यूज क्वेश्चन वाई।
जो व्यू है ना यहाँ का लिटरली मतलब अनरियल व्यू है. देखो पीछे. और आज थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है बट फिर भी मजेदार सीन है. ठंड थोड़ी सी है ज्यादा बट मजा आ रहा है काफी. कैसा लगा भाई आपको सबको? है मजा आया? यस. Makes me right, but you don't seem to take the time. You're on a mission now. I know you can't get out. And I'm trying to get out. देख ली हमने लेक लुइस. बहुत ज्यादा मजा आया. तुम्हें कैसा लगा? बहुत ज्यादा मजा आया. इतनी ज्यादा हमने फोटोज एंड रील्स बनाई है ना कि हम व्हील्स एंड फोक्स इंस्टाग्राम पे डालेंगे. जाके फॉलो कर लो अभी तक नहीं किया है अगर लेक लुई के पूरे मजे लेने हैं तो. बहुत ज्यादा मजा आया. बाल हमारे गीले होके पूरे मतलब बाल सब कुछ. ये जैकेट का पूरा कलर ही बदल गया गीला होके बट मजा बहुत आया. बहुत ज्यादा. और लाइक लिटरली एक सरियल एक्सपीरियंस है. देखो जरा एक बार इसको यार. लाइक हु विल नॉट फॉल इन दिस व्यू. I mean not fall in love with this view. Try to say Josh. Who will not fall? ठीक है. तो मजा बहुत आया. हमने videos और photos बहुत ज़्यादा ली. अब हम सोच रहे हैं मैं और अमनप्रीत सोच रहे हैं क्याकिंग करने का. बट मैं तमन्ना को भी बोल रहा हूँ. तमन्ना once in a lifetime. बारिश हो रही है और पानी से इतना डर लगता है. आ गई हाथ पूरे रेड रेड हो गया ठंड से. होगा नहीं. तो ये है लेक लुइस और यहाँ पे है फेयरमोंट होटल. तो हम फेयरमोंट में आए हैं. यहाँ पे हम देख सकते हो फेयरमोंट शेटो लेक हाउस. शेटो बोलते हैं शैटू बोलते हैं पता नहीं. आई डोंट नो बट ये इसके अंदर हम जा सकते हैं. तो अभी हम जाके देखेंगे कि क्या सीन है. वॉशरूम वगैरह चले जाएंगे अंदर देखेंगे. और कॉफ़ी अगर हुई तो कॉफ़ी ज़रूर लेंगे क्योंकि ठंड बहुत लग गई है. क्योंकि हमने करनी है अभी कैकिंग राइड. तो उस हिसाब से थोड़ा सा ना गर्म होके जाएंगे रेडी होके. 15 मिनट ही करेंगे बट एक यार एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से. बारिश वरिश तो रोज़ देख लेंगे बट एक वो एक्सपीरियंस करना बनता है. तो ये रहे हमारे मनप्रीत सर. ऑलवेज ऑन फोन. सुपर बिजी सुपर रिच. जो हेरिटेज लग्जरी होती है ना वह वैसी फील है अंदर की. लाइक इट्स टू गुड. अंदर का मतलब जो पूरा एक खाली एंट्रेंस है लॉबी एरिया मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. सर किद्दा दा लग रहा है तुहानू एरिया? बहुत सोहना यार है ना. एम्बियंस बहुत गुड है. या मतलब अगर वर्थ इट वो 800 to 1000 dollars हम सोच रहे थे क्यों वर्थ इट है. बट या इट इज़ वर्थ इट अगर आपके पास हैं और इफ़ यू कैन स्पेंड. डेफिनेटली हमारा ये बजट ट्रिप है. हम पूरा एक्सपेंस शेयर करेंगे कैसा है कैसा नहीं. बट लेट्स गो टू द वॉशरूम एंड हेड टू कैक. तो अब हमने किया कॉफी ऑर्डर फेयरमोंट में. फेयरमोंट में जो इसने बोला था कि 1000 dollars के क्रू में यहाँ पे बहुत सुंदर होटल है. लाइक बहुत अच्छा. जैसे मैंने बोला था होटल अभी अफोर्ड नहीं कर सकते पर कॉफ़ी कर सकते हैं ना. तो हमने कॉफ़ी ले ली. कॉफ़ी भी बहुत महंगी है. $7 की कॉफ़ी एंड देन $5 का कुछ सैंड. बट इट मेक्स इट वर्थ विद द व्यू एंड एवरीथिंग. और ऐसे मतलब ये चीज़ लाइक एक वन ऑफ द वंस इन अ लाइफटाइम थिंग है. एग्जैक्टली थिंग. या नॉट वंस इन अ लाइफटाइम दोबारा आएंगे. हां बट फॉर नाउ. या बट फॉर नाउ. तो हमने कॉफ़ी लिया. बहुत मज़ा आ रहा है. मोका अनली ये ड्रॉप लाटे इनकी स्पेशल कैनमोर में जो कैरामल बनता है. कभी सोचा नहीं था कि सुना नहीं था ड्रॉप लाटे का. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करें. तो इनसे पूछा. ये कहते हैं हमारी होममेड कैरामल सॉस बनाते हैं. ये होममेड नहीं कैनमोर से बन के आती है यहां पे. हां जो इनकी लोकल है. लोकल है यार. तो यहीं की थिंग है ड्रॉप लाटे. तो डू ट्राई. आई विल रिव्यू वंस आई ड्रिंक इट. हां तो चलो चलते हैं पीते हैं. चलो हमने कर दिए क्रोसॉन्स वगैरह कंप्लीट. तो कितनी रेटिंग दोगे सर आप इसको? नो आई विल गिव 9 out of 10. अच्छा सी काफी. अच्छा सी. तो सी आई विल गो फॉर 9. 9. तो सी 9.5. उन्होंने कारण दे पहले. मैं भी 9.5.
अभी हम यहीं पे थे और तमन्ना को तमन्ना के फ्रेंड मिल गए. हाय, आपका नाम क्या है? देवोश प्रियो. देवो, यू कैन कॉल मी डीबो. डीबो, डीबो, आई कैन अंडरस्टैंड. मेरे को भी अक्षित की जगह एक ही बोलता हूँ. तो ये यहाँ पे फिल्म हाउस में शेफ है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सो फार, लाइक शेफ होने का? सो फार सो गुड. लाइक द क्लाइमेट ओवर हियर इज प्रीटी ऑसम एंड द कोवर्कर्स फैबुलस. बढ़िया, मतलब ये है, बट इन्होंने भी ये चीज़ बोली, कहते कि मेरे को पहले 5-6 महीने बहुत मजा आया था, है ना? उसके बाद थोड़ा सा गया था कि और कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ होटल है. क्वाइट मोनोटोनस हो जाता है, मतलब कोई जगह जाने का नहीं है, मतलब घूमने का, लाइक सिटी लाइफ. हाँ, सिटी टाइप. मतलब हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स और अपने नुकसान है. ऐसा नहीं कि अगर हम बैंक में रहते हैं तो हम वो है, बट ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे नेचर से बंदा थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है, लाइक यू कैन सी दिस एवरी डे. हमें 15-20 घंटे की ड्राइव करके आना पड़ता है, फिर देख सकते हैं, राइट? बहुत ही हेक्टिक हो जाता है वो, पर ड्राइविंग यहाँ पे मजा आता है क्योंकि जो बीच का वे आता है फैबुलस, है ना? तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि हम बैंक टू जैस्पर जाएं, आइसलैंड पार्क. हम सोच रहे कल अगर वो कवर कर सके, अभी हम आज हाइकिंग वगैरह कर लेंगे और कल वो कवर करेंगे. कर सकते हो, ठीक है ना? चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. अभी हम जा रहे हैं मुरेन लेक. हमने वो जो लेक लुइस, उसको हम बोलेंगे लालू. लालू, ले लुई, लालू. मैं तो अभी हम जा रहे हैं मुरेन लेक पे. अब ऐसा सीन है, उस पे सनराइज बहुत अच्छा होता है, बट चक्कर ऐसा है यहाँ पे 2-3 दिन वेदर क्लाउडी है. तो क्लाउडी में मॉर्निंग में इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि फायदा नहीं है क्योंकि क्लाउडी रहेगा एनीवेज. आज हमने देख लिया कि सन तो राइज हुआ नहीं, राइट? तो इससे बेटर है कि हम एक आज वो कवर कर ले ताकि कल हमें जल्दी उठना ना पड़े 5 बजे, है ना? तो बना और तो मैं तो जल्दी तो उठना पड़ेगा. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. कितना कुछ कवर कर लिया अभी, ऐसे सवेरे 9:30 हो गया हो जाएगा जल्दी उठने वाला पार्ट. हां, मुझे नहीं पता मैं कैसा दिख रहा हूँ, बट जो व्यू आ रहा है पीछे चेक करो यार, इट्स जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. इट्स लाइक अ लव सीन विद वेव्स ऑफ फ्लर्टिंग, सीजंस चेंज. हमें एक व्यू पॉइंट मिला, अभी हम फोटोज वगैरह खींच रहे थे. हाँ, अभी फोटोज वगैरह खींचे थे पीछे मुरेन लेक की, जैसे आपको दिखी होगी. तो वरना अभी लोग कहती पूरे रेडी है सुसाइड करने को क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवेंचर. यार मजा ही वैसा है, लाइक दिस इज टू गुड, चेक इट आउट. ये एक पॉइंट है जैसे कि आप देख सकते हो. वाओ, दोनों लेक्स आपने देख ली, आपको कौन सी बेस्ट लगी? ये वाली लेक मुरेन इज बेटर व्यू वाइज, बेस्ट व्यू वाइज लेक ये वाली मरीन बेस्ट है. बट द थिंग इज कि ये स्केरी बहुत है, इसकी हाइट वगैरह. तमन्ना को हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, सो दैट्स व्हाई तमन्ना को लेक मरीन थोड़ा सा लाइक. हाँ, बट फिर भी काफी अच्छा किया तमन्ना ने, लाइक अपने जमा भी नहीं तमन्ना करीब जाती थी, पर तमन्ना इतनी ऊंचे में गई तो विच इज अ गुड थिंग. पर मरीन लेक आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको. अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है गंडोला. सांस चढ़ गई, बैंफ गंडोला. तो बैम गंडोला जाएंगे, सल्फर माउंटेन के ऊपर जाएंगे, वहां पर भी हाइक होगी, मजा आने वाला है. सो फार वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट. यस, जो भी सुना था बैम्फ के बारे में ट्रू है. तो मैंने कह रही यार वहां पे पहाड़ी होंगे यार वहां पे, पर तो मैंने वो डिफरेंस हमें लगी आपको? या ऑफ कोर्स वर्थ इट है एक बार विजिट. या तो चलो चलते हैं गाड़ी में एंड देन वी विल ड्राइव टू बैम्फ अगेन. ये हम लेक लुई में जो कि 1 घंटा दूर है, ठीक है ना? तो अब हम आ चुके हैं बैंफ गंडोला में. मैंने गोप्रो ले लिया और बाकी फोन से ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा की बैटरी नहीं है. और ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो भाई आप, गंडोला यहाँ से जा रहा है. ये नीचे इन्होंने एक मतलब एरिया बनाया हुआ, आई थिंक शॉप वगैरह होगी. और यहाँ से ये भी ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा कहाँ तक जा रहा है, लिटरली बहुत ऊपर तक. तो मैंने उधर कर वो बंद हो गया भैया. हां हां, बंद है. पक्का कर लो कि दो आज तो समझ ले मेरे बट ले या गब्बरू. चलो जी, चले चले.
तो ये रहा जो डेक जहाँ से सारा कुछ लाइक हम सल्फर माउंटेन के ऊपर आए हैं। तो ये अब हम आ गया सल्फर माउंटेन के ऊपर। यहाँ पे है पूरा डेक जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे लोग काफी आपको दिख रहे हैं। ये पूरी रेंज दिख रही है कैनेडियन रॉकीज की, वो पूरी जैसे आप रेंज देख सकते हो लाइक ये पूरा ऊपर से। अभी वो जो पॉइंट दिख रहा है आपको, हम वहां तक वो हाइक करके जाएंगे एंड देन ये सारा कुछ यहाँ। गंडोला के टॉप पे, जो हमने गंडोला के एरिया में आए थे लुकआउट पॉइंट पे, पूरा टॉप पे हम, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा पीछे कैनेडियन रॉकीज का व्यू है। और आपको मैं दिखाता हूँ, सारे यहाँ पे चिल कर रहे हैं, वेट है डेबो और तमन्ना शिवाती मनप्रीत। नींद नहीं आई हुई है, तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक के व्लॉग अच्छे लग गए होंगे। या अगर अच्छे लग रहे हैं व्लॉग, वेट करो और व्लॉग आने वाले हैं पूरी बैंप की सीरीज में। और ये व्लॉग हम यहीं पे रखते हैं, इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे और फिर कुछ खा पी के सोने वाली बात करेंगे। तो कल मिलते हैं, कल हम नए एडवेंचर करेंगे बैंप में या किसी लेक में जाएंगे या कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मतलब 10,000 होने वाले सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी वो भी कर देंगे हम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।